बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं और हम नहाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ हैं बिस्सू भाई और हम बांध में जा रहे हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे गांव रैया गांव से 2 किलोमीटर दूर एक मिल है जहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पर हम नहाने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बने रहिए और वीडियो को मज़ेदार हम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं और ये हम अजगर दादर प्लेस में आ चुके हैं। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो ये बीजे गांव रोड पर पड़ता है, बाकी हम बीजे गांव टोटल बीजे गांव नहीं जाएंगे, हम साइड से कट। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत हरियाली छाई हुई है और ये वन विभाग का एरिया पड़ता है, और यहाँ पर रोड भी आदिवासी गांव भी हैं आगे पर, और ये सीधे आमा डोंगरी जाती है और मोचा के लिए भी जाती है ये रोड, जो रोड आप देख रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, वाइट फूल। और फिर अब हम हमारे मार्ग तक पहुँचने वाले हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो जैसे कि दोस्तों, ये सामने जो रोड गई हुई है इसी से हम जाएंगे। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो दोस्तों, हम स्विमिंग पूल पर आ चुके हैं और हम पहुंच ही गए हैं, बस अब नहाने का कार्यक्रम चालू करना है। हम लोग यहाँ पर नहाने आए हुए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी। दोस्तों, ये आ गया हमारा स्विमिंग पूल, यहाँ पर हम आए हुए हैं नहाने के लिए। तो रबा है,
अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारे गांव का एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है और ये अजगर दादर से लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ना दोस्तों कि जो भी मतलब गांव के जो भी बंदे हैं जिनको मतलब स्विमिंग सीखना रहता है या फिर स्विमिंग करना रहता है तो यहाँ पर स्विमिंग सीखने आते हैं वो। तो इसको अपन स्विमिंग पूल नाम दे चुके हैं यहाँ के लोगों, इसको स्विमिंग पूल नाम दे चुके हैं यहाँ के जो लोग हैं। तो हम भी यहाँ पर आए हुए हैं नहाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है ये और बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ का। और साइड साइड में क्रेशर पड़ती है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ कैमरे घुमाकर दिखाता हूँ, बहुत सुंदर जगह है ये। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो दोस्तों आज मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था तो एक दोस्त मेरे पास आया और बोला कि चलो नहाने चलते हैं, थोड़ा बाहर नहाते हैं, घर में तो नहा के थक गए हैं, थोड़ा बाहर नहाने का मजा ले लेते हैं। मैं बोला चलिए ठीक है नहा लेते हैं। तो फिर हम उसके साथ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ बहुत शांति का माहौल छाया हुआ है। वैसे यहाँ पर बहुत लोग नहाने आते हैं, बाकी अभी थोड़ा आज कम लोग आए हुए हैं और क्या है ज़्यादातर यहाँ पर सुबह के टाइम लोग नहाने आते हैं। तो और हम थोड़ा अभी 11:30 समथिंग बज गए हैं, 12 बजने वाले हैं, थोड़ा लेट हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप हमारी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पर और आइट साइड बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बहुत शांत माहौल है और हमारे गांव के लोग यहां पर नहाने आते हैं और आइट साइड गांव के भी आते हैं जैसे कि पीछे गांव हो गया। दोस्तों चलो अब हम नहाना स्टार्ट करते हैं। तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर जो लोग नहाने आते हैं वो इसे स्विमिंग पूल से कम नहीं समझते हैं। खैर ये स्विमिंग पूल नहीं है, बाकी यहाँ पर एक खदान थी, यहाँ पर खदान के जरिए इसको खोदा गया है तो इसे लोग ने स्विमिंग पूल का नाम दे दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर लोग स्विमिंग पूल करने आते हैं, स्विमिंग पूल नहाने आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर तैरते हैं लोग,
मछली भी पकड़ने आते हैं यहाँ पर। बाकी अभी तो कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि आज सब अभी नए साल पर घूमने गए हैं लोग, और हम ऐसे टाइम पर आए हुए हैं कि यहाँ पर अभी कोई ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये जो रोड दिख रही है यहाँ से ऐसा ये एक रोड है, वो जो घर दिख रहा है वहाँ से हमारे गांव के लिए रोड गई हुई है। और ये जो दिख रहा है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे खदान हैं। और मतलब यहाँ पर 5-6-7 खदानें हैं और माइंस वगैरह भी हैं, कोल माइंस वगैरह हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल पर हम खड़े हुए हैं, बाकी अभी हमने नहाना स्टार्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, हम अपना दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा साइड तक गया हुआ है, वो आ जाए उसके बाद हम नहाना स्टार्ट करेंगे। वैसे अब मुझे तो तैरना आता नहीं है, तो अब मैंने तो खैर बाल्टी डब्बे वगैरह लाया हुआ है, तो देखो मैं तो इंजॉय करूँगा ही नहाने का, और साथ में आप भी वीडियो का मज़ा लीजिए। अजगर दादर के साइड पर हम लोग हैं। अजगर दादर यहाँ से ये जो हमारे जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है ना, इस साइड अजगर दादर पड़ता है। तो दोस्तों, और ये जो पीछे का हिस्सा दिख रहा है, इधर हमारा गांव पड़ता है। और ये जो अपना पीछे का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से दूसरा गांव जाने का रास्ता है। वैसे ये गांव के बीचों बीच में है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, एंजॉय करें, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा दोस्त का मैं वेट कर रहा हूँ, इन्हीं के साथ मैं नहाने आया हुआ हूँ आज। तो भैया, अपना नाम बताइए। राम भावरे। अच्छा, और ये जगह के बारे में थोड़ा आप कुछ अच्छा खूबसूरत कुछ बताइए। अभी मैं जंप करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पर हमेशा नहाने आए हुए होते हैं, और इन्हें स्विमिंग भी आती है। हाँ, तो अभी ये जंप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप हमेशा जंप करने आते हैं? हाँ, मैं डेली जंप करने आता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे आज यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। आज लेट हो गया। अच्छा, लेट हो गया इसलिए। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर तो बहुत लोग आते होंगे नहाने। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। चलिए, आप जंप करें तो हम जंप करूँगा। अच्छा, पानी के अंदर कितने मिनट तक रह सकते हैं आप? ना? पानी के अंदर कितने मिनट तक रह सकते हैं? मतलब ऐसे नीचे नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे दोस्त नीचे गए हुए हैं और बहुत मजे कर रहे हैं नहाने का, बहुत मजे ले रहे हैं। 6 सेकंड आपने अंदर रहा है।
6 सेकंड हाँ। वैसे तुम पहले तो आधा आधा घंटा रह जाते थे हाँ? अच्छा हाँ चलिए थोड़ा स्विमिंग करो ना, स्विमिंग करके दिखा दो सब्सक्राइबरों को, स्विमिंग करो तैरना दिखा दो हाँ। थोड़ा लंबा तैरो, ये उल्टा नहीं ऐसा वाला तैरो ना हाँ। वैसे तैरने में तो बहुत मजा आता होगा, एक्सरसाइज होता है ना। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दोस्त नहा रहे हैं, और खैर हम भी नहाना स्टार्ट करेंगे अब। बाकी थोड़ा हम सोचे कि सब्सक्राइबरों को थोड़ा दिखा दें कि मतलब दोस्त लोग कैसे नहा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे विश्व भाई और क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, अब हम नहा चुके हैं, कपड़े भी पहन चुके हैं, और हमारे दोस्त लोग तो नहा ही रहे हैं अभी, और आप देख सकते हैं अब हम रिटर्न होंगे यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लगा है हमको, और बहुत बहुत मज़ा आया हमको। विश्व भाई ने भी कपड़े पहन लिए हैं। दोस्तों हमारे दोस्त नीचे उतर रहे हैं, विश्व भाई जो कि डब्बे में पानी लेने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं विश्व भाई।
खड़े से ले आते हैं यहाँ से वाटर डब्बा को। पानी में कितने मिनट तक अंदर रह सकते हो भाई? हैं? ठंडी हवा यार तो अंदर ही रहता है। गर्मी में कितने मिनट तक रह जाते हो अंदर? 40 मिनट तक तो रह सकते हो ना? 30 मिनट? तो हेलो दोस्तों, अब हम यहाँ से नहा चुके हैं और हम रिटर्न जा रहे हैं। जैसे कि अब हम बाइक में बैठने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चलो Thank you.
अदर प्लेस है, सब्सक्राइबर लोग आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हम लोग अब नहा धो के रिटर्न जा रहे हैं। थोड़ी आराम से मुड़काना,
दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लगा है हमको भाई। और बहुत बहुत मज़ा आया हमको। बिस्सू भाई ने भी कपड़े पहन लिए हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय। Yeah.